नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या का मामला, राम जन्मभूमि का मामला, बाबरी विध्वंस का मामला, बाबरी मस्जिद का मसला, अब जब इसने एक शांति की राह पकड़ ली है, अब योगी सरकार ने आज सुबह 10 बजे एक मीटिंग बुलाकर एक घोषणा की है और कहा है कि अब अयोध्या के विस्तार की बात की जाएगी। अयोध्या का विस्तार किस तरह होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े जा रहे हैं योगी सरकार द्वारा, हम इस संबंध में बात करते हैं। अयोध्या नगर निगम का जो विस्तार किया जा रहा है उसमें करीब 41 और गांवों को जोड़ा जा रहा है, जिससे उसका एक विस्तार होगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट में आज पास हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और हम बता दें कि इसके अलावा प्रदेश में 16 नई नगर पंचायतें बनाने का भी प्रावधान है। 4 नगर पंचायतों की सीमा का विस्तार करने का भी प्रस्ताव इस बैठक में शामिल किया गया है, जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसमें शामिल किया गया है। हम बता दें कि इस संबंध में अभी पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई है। करीब 6 पुनर्विचार याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास दायर कर दी गई हैं और इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी अपनी सहमति जता दी है। हम आपको बता दें कि जिस तरह राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का मामला विवादित मामला था, इसको कोर्ट ने बहुत ही खास ढंग से सुलझा दिया, जिससे न देश में कोई किसी प्रकार की हिंसाएं हुई और ना ही किसी प्रकार का रोष था। लेकिन रोष क्यों नहीं होगा, एक एक समुदाय, कोई ना कोई एक पक्ष है जिसको रोष भी है। सुप्रीम कोर्ट के शायद इस फैसले को वह मंजूर नहीं करना चाहता है या उस पर उसको अभी विरोध है। तो हम बता दें कि 6 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस राम जन्मभूमि के मामले में, वह उन्हें मंजूर नहीं है। कृपया कोर्ट उस पर पुनर्विचार करे, दोबारा विचार करे और फिर इस फैसले को सुनाए। तो इस फैसले के संबंध में, इस संबंध में हमने कई सारे कार्यक्रम किए हैं और आपसे इसके संबंध में राय भी पूछी है। तो इस संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी सहमति जता दी है और पुनर्विचार याचिका पर कोई भी रोष नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। एक और सुन्नी वक्फ बोर्ड कहीं कहीं इसका विरोध भी कर रहा था एक संबंध में, एक अभी पीछे के कार्यक्रम आप हमारे देखेंगे तो उस पर हमने यही बताया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को विरोध था। वह कह रहे थे कि यदि हम पुनर्विचार याचिका डालते हैं उससे आने वाले चुनाव प्रभावित हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जहां पर बैक फुट पर होगी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आ जाएगी। तो यह फैसला कहीं ना कहीं एक राजनीति का भी सबब बन रहा है। केवल यह मंदिर या मस्जिद का फैसला नहीं है, यह एक राजनीति का भी हिस्सा है। वहां यह देखा जा रहा है कि कहीं पुनर्विचार याचिका डालने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या पुनर्विचार याचिका न डालने से भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर रहेगी। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति भी है और अपनी भावनाओं का भी मुद्दा है। तो अब इसमें योगी सरकार ने विस्तार की घोषणा कर दी है, कैबिनेट में आज इसका फैसला ले लिया जाएगा और जिसमें हमने बताया कि 41 करीब गांवों को जोड़ा जा रहा है, 41 गांव शामिल किए जाएंगे अयोध्या नगर में और 16 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी। 4 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार करने का भी प्रस्ताव पास हो जाएगा आज। इस संबंध में आप ये राय हमें अवश्य दें कि योगी सरकार जिस तरह विस्तार कर रहे हैं, क्या इस तरह विस्तार करना सही है? इससे पहले जो पुनर्विचार जो याचिका डाली गई है, क्या इस पर पहले फैसला आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? यदि इस प्रकार से पहले हम विस्तार की बात कर देते हैं, शायद पुनर्विचार याचिका के बाद कोई अलग फैसला आ जाता है तो वही विवाद का कारण बन सकता है। तो थोड़ा थम लेना चाहिए शायद योगी आदित्यनाथ को, फैसला शायद यही आने वाला है, थोड़ा थम के शायद ये फैसला लेते तो सही रहता। इस संबंध में आप ये राय हमें अवश्य दें कि योगी सरकार को थमना चाहिए था या नहीं। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।